कम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें और पांच टाइम एंड वर्क के सवाल है, तो प्लीज़ इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि रामू एंड मोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 आवर्स एंड 16 आवर्स। तो ये पहला क्वेश्चन का गलती से जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो इसमें नहीं लिखा गया है, तो अब आगे के वीडियोज़ में आपको हिंदी में भी, मतलब आगे के वीडियोज़ का अगला स्लाइड से आपको हिंदी में भी मिलेगा, बट मैं इसका हिंदी समझा दूंगा। कैन वर्क इन 10 आवर्स एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स टूगेदर। मोहन लीव्स द वर्क इन हाउ मेनी आवर्स विल रामू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम चीज़ करेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ पर ये रामू हो गया और ये हो गया मोहन। ये 10 घंटे में काम ख़त्म कर देता है, ये 16 घंटे में। तो पहले एक नंबर मानेंगे जो इन दोनों का एलसीएम होगा और वो आपका हो जाएगा 80, ठीक है। तो अगर ये एक दिन में 10 काम सॉरी हाँ एक काम को 10 घंटे में ख़त्म करता है, हमारे पास टोटल 80 काम है, तो एक दिन में कितने, एक घंटे में कितने काम करेगा, 8 काम। इसी तरीके से ये कितने काम करेगा, 5 काम, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 और 5 13 काम, मतलब एक घंटे में दोनों मिलके 13 काम करेंगे। तो इन्होंने सवाल में बोला गया कि 2 घंटे काम कर लिए उन्होंने, तो पहला 13 घंटा फिर दूसरा 13 काम, तो टोटल 26 काम हो गया है, ठीक है। अब इस 26 काम में से, मतलब टोटल काम कितना था हमारा, 80 था, तो 80 में से 26 काम हो गया है, तो 10 में से 6 गया 4, बचा 7, बचा 54, तो 54 काम बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब 54 काम को कौन करेगा, मोहन छोड़ देता है तो सिर्फ रामू बचा। रामू एक दिन में 8, मतलब एक घंटे में 8 काम करता है, तो 54 काम करने के लिए कितना पड़ेगा, 54 बाई 8 करेंगे इसे हम लोग। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 6 बार में 48 या 48, ये गया 6 बचा, तो 6 सही 6 बटा 8, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए ये ऑप्शन में कहीं नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इस 6 और 8 को हम 2 से काट सकते हैं, तो 3 बार में 1 बटा 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा 6 सही 3 बटा 4, ठीक है। अगला ये है, सॉरी ये आया था बट आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अमन राम एंड कपिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 68 डेज 51 डेज एंड 70 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज सच एज अमन वर्क्स फॉर फर्स्ट डे, राम वर्क्स फॉर सेकेंड डे और कपिल वर्क्स ऑन थर्ड डे, ठीक है। तो इसमें बोला क्या गया कि देखिए अमन राम और कपिल 3 लड़के हैं, तीनों जो इस काम को है अलग अलग कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ये 68 दिन में, ये 51 दिन में और ये 17 दिन में, ठीक है। अब लेकिन बोला क्या गया कि पहला दिन अमन काम करेगा, दूसरा दिन राम काम करेगा और तीसरा दिन कपिल काम करेगा, सॉरी ये एक था कपिल काम करेगा, ठीक है। तो 3 दिन में अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि इन सब से कटता हो, तो वो होगा आपका 204, ठीक है, 204 इसका कैल्शियम लेंगे 204 आएगा। तो ये 68 से 3 बार में, 51 से 4 बार में और 17 से करेंगे तो 12 बार में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग पहले आगे बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, आर एक दिन में 4 काम और के एक दिन में 12 काम, ठीक है। तो अब तो पहले 3 दिन में कितना काम होगा, 3 प्लस 4 प्लस 12, तो ये हो गया 19 काम। तो पहले 3 दिन में 19 काम, तो ऐसे ही करके अगर 19 जोड़ते जाएंगे तो हमें 204 के पास पहुंचना है, ठीक है। तो 3 दिन का काम है 19, तो इसको अगर हम लोग 5 से देखो, सबसे पहले मैं क्या करना होगा, अच्छा आगे पढ़ा मैंने 4 डे देन अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच 50% ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड, मतलब इसका 50% ही काम, टोटल काम कितना है हमारा 204, इसका 50% मतलब इसका आधा, किसी का भी 50% निकालेंगे तो आधा आएगा, तो ये आधा आएगा तो 102, तो 102 काम हम लोगों को करना है। तो अगर 19 से 5 गुना करेंगे, देखिए 3 दिन का 19 काम, तो 5 से करेंगे तो 15 दिन का काम कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95, तो 95 काम 5 दिन मतलब 15 दिन, क्योंकि हम लोग 3 दिन का काम 19 है, तो 15 दिन में 95 काम
हो गया है, तो अब 102 में से 95 काम हो गए, तो बचा कितना? 7 काम। अब इस 7 काम को कौन करेगा? पहले अमन करेगा। तो अमन एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, तो 15 काम पहले आया था, तो 15 एक काम और हो गया, तो 7 में से 3 काम चला गया, बचा 4 काम, तो कौन करेगा? राम। राम एक दिन में 4 काम करता है, तो बाकी 4 काम बचाओ काम खत्म हो जाएगा, तो टोटल कितने दिन लगे? 17 दिन में ये काम सब खत्म हो जाएंगे। अगला सवाल, ए कैन पेंट 7 चेयर इन एन आवर एंड बी कैन पेंट 4 चेयर इन आवर, मतलब ए जो है 1 घंटे में 7 चेयर पेंट कर सकता है, बी 1 घंटे में 4 पेयर पर रिटर्न, हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू पेंट 55 चेयर्स व्हेन दे वर्क टुगेदर। देखिए, ये सिंपल सा सवाल है, ये ए 1 घंटे में 7 चेयर, बी 1 घंटे में 4 चेयर, तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना चेयर पेंट हो जाएगा? 11 चेयर। पेंट कितना करना है? 55 चेयर, तो 5 घंटे में सारा का सारा पेंट हो जाएगा, 15 by 15 11, तो 5। अगला, इसमें क्या किया गया, इफ अ मशीन ए बी कैन प्रोड्यूस 1100 यूनिट्स इन 9 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी आवर्स कैन मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एट दिस कॉन्स्टेंट रेट प्रोड्यूस 1100 यूनिट्स। तो एक चीज़ अभी देखिए, आपको जब जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, 1100 यूनिट और ये 1100 यूनिट एक आई, और सवाल में पूछा होगा कि उतना ही पेंट करना है, तो आप उसको निगलेक्ट ही कर दीजिए। तो अब सिंपल कर लीजिए कि एक काम को ए करता है 9 घंटे में और बी करता है 12 घंटे में, तो इन दोनों का लसा निकाल लीजिए 36, तुम्हारा 36 काम टोटल हो गया, तो ये एक दिन में 4 काम करेगा और एक दिन में 3 काम करेगा, डिवाइड करके लाएंगे हम लोग, तो टोटल 36 काम है, तो एक घंटे दोनों कितने करेंगे एक दिन में? 7 काम, टोटल काम कितना है? 36, तो 36 काम करना है एक दिन में, 7 काम होता है, 36 से 7 भाग कर देंगे तो निकल जाएगा कितना दिन ये काम और करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि 7 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/7 दिन में, तो 36 काम करेगा इंटू 36 करेंगे तो 36/7। अगला सवाल, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 घंटा, बी सी 75 घंटा और ए सी 25 घंटा, ठीक है, बोला क्या है कि तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो कितने जल्दी ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए प्लस बी कितने देर में करता है? 50 घंटे में, ये करता है 75 घंटे में और ये करता है 25 घंटे में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इनके एलसीएम लेंगे तो आएगा ये 300 या 150 भी आ सकता है, तो कुछ एक ले लेंगे हम लोग, 300 ले लेते हैं, तो ये 50 से कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 4 बार में और ये 25 से कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करेगा, बी प्लस सी 4 काम, सी प्लस ए 12 काम, तो अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे, देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार ए और 2 बार सी, तो ये क्या हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना काम हो गया, 6 × 4 = 10 और 6 × 4 = 10, 10 × 12 = 22। तो ए प्लस बी एक दिन में अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 11। हमें काम कितना करवाना है? 300, ठीक है, तो 300/11, जैसे पिछले निकाला था कि अगर 11 काम करते हैं एक दिन में तो एक काम कितने करेंगे? 1/11, तो 300 काम कितने करेंगे? 300/11। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि हम और अच्छे आपके लिए वीडियोस बना पाए, और प्लीज़ कोई भी एक कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा वीडियो पे, ताकि यूट्यूब रिकग्नाइज करे वीडियो को और हम अच्छे सॉल्यूशंस आपके लिए और ला पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।